दर्शकों, हमारे बीच यहाँ पर कुंडलपुर महोत्सव समिति पद पदारोहण समिति के श्री अनिल जी जैन मौजूद हैं, सागर वाले। तो आइए आप बताइए कि यहाँ पर क्या चल रहा है और क्या क्या तैयारियाँ हो रही है। यहाँ पर जो रूम वगैरह बन रहे हैं, 30 से 40 हजार लोगों की व्यवस्था बन रही है रुकने की। 2-2.5 लाख फुट पंडाल बन रहा है, जो मतलब 1 लाख आदमी बैठने के वाला रहेगा। और ये मान के चलो भोजनशाला भी करीब 1.5 लाख फुट की रहेगी। और सब व्यवस्थाएं अच्छी हो रही हैं, 10 तारीख तक सब कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, बहुत सारे लोगों में उत्साह है, बहुत ही अच्छी तैयारियां चल रही है। सारे साधु यहाँ पर, पिछीधारी साधु सब आ चुके हैं और आचार्य श्री के सारे शिष्य, मतलब दूसरी बार सारे शिष्य यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो बहुत लोगों को, बहुत उत्साह है लोगों को, भीड़ बहुत रहेगी। मैं ये लगता है 4 से 5 लाख आदमी आना चाहिए। नहीं, 100% जरूर आएंगे, क्योंकि इतना बड़ा संघ, इतना बड़ा समोसरण और आचार्य श्री का जो पद इतिहास बनने वाला है, ऐसे अनुपम अनमोल दृश्य को अपनी आंखों से देखने के लिए सभी आना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? 1600 बसों की तो हम लोगों ने रुकने की व्यवस्था बनाई है। पार्किंग है, बहुत बड़ी पार्किंग बनाई है करीब 100 एकड़ में, हर चीज की व्यवस्था। और रुकने के लिए क्या है अगर यहाँ जैसे 40 हजार आदमी की रुकने की व्यवस्था बनाई है पूरी? वो कहाँ संपर्क करेंगे? वो कमेटी में करेंगे, इसके सब वो बन जाएंगे कार्यालय। अच्छा, और जो चौका लगाना चाहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा? चौका वाली व्यवस्था तो करीब करीब कंप्लीट हो चुके हैं, 400 चौका लग चुके हैं, कंप्लीट हो गए हैं। अभी कोई आना चाहे तो उसको मिलेगा या नहीं? अब वो कमेटी के पास उसकी जानकारी कमेटी। दर्शकों, ये कुंडलपुर का वो स्थान है जहाँ पर परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का जो पद है वो परम पूज्य श्री समय सागर जी महाराज को दिया जाएगा। तो आप देखिए, यहाँ पर बहुत ही भव्य पंडाल बनाया गया है और बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर काम हो रहा है। और भक्तगण दूर दूर से यहाँ पर आने वाले हैं और पूरी बैठने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। कुंडलपुर महोत्सव में कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पर चौका भी लगा रहे हैं, सभी महाराजों का हार हो रहा है, हमको बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुंडलपुर में समोसरण लगा हुआ है। हम लोगों को बहुत आनंद रहा हो, इतने माता जी, इतने महाराज जी, इतने चुल्लक जी, चारों तरफ महाराज जी, महाराज जी, समोसरण समोसरण नजर आ रहा है। इतना आनंद आ रहा है कि जीवन में न कभी आएगा और न आने वाला है। अद्भुत कार्यक्रम, ऐसा महोत्सव भूतो न भविष्यति, बहुत ही शानदार लग रहा है। सभी से निवेदन है ऐसे स्वर्ण अवसर का लाभ उठाएं और इस महोत्सव में शामिल हो। बहुत बढ़िया लग रहा है, कुंडलपुर का मंदिर देख के ऐसा अभी तक कहीं दुनिया में ये पहला आश्चर्य दिख रहा है मेरे हिसाब से। तो ऐसा मंदिर कहीं बना हुआ नहीं दिख रहा, ये इतिहास बन रहा है, ऐसा मौका कभी नहीं आया। साक्षात समोसरण में बैठे ऐसा लगता है। जय जी ने आज यहाँ कुंडलपुर पहुंचकर मुझे अपूर्व आनंद की अनुभूति हुई है। बहुत ज्यादा आनंद उत्सव मनाया, बहुत अच्छा लगा। बड़े बाबा के दर्शन करके आज बहुत, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली मान रही हूँ। कुंडलपुर वाली कमेटी को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी व्यवस्था करने के लिए। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।